नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा वीडियो जिसको बनाने की मेरे दिमाग में इसलिए आई क्योंकि जो लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं माइक्रोवेव का यूज़ क्यों नहीं करती हूँ, उसको लेके काफ़ी कमेंट थे। जैसे कि कुछ लोग खरीदने की सोच रहे थे तो उन्होंने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग थोड़ी सी सर्च और रिसर्च करी और अपनी जो है चॉइस थोड़ी सी चेंज करी। तो इसीलिए किचन में जो मेरे पास सामान है, मैं कौन से और किस टाइप के बर्तनों का यूज़ करती हूँ, कौन सी चीजें हैं जो मैंने अपनी किचन से हटा दी हैं, और इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है किचन में उसका रिव्यू कि कौन से आइटम मेरे लिए सही रहे, कौन से सही नहीं रहे। तो अगर हम बात करें खाने की किचन में, तो वो हर मतलब घर में अलग ही होता है। जैसे अगर हम फूड आइटम्स की बात करें तो सबकी प्रेफरेंसेस अलग होती हैं, जैसे नॉर्थ साउथ में अलग होती हैं, यहां तक कि एक घर से दूसरे घर में भी जो खाने की जो चॉइसेस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, और यहां तक कि अगर हम कोई रेसिपी बना आते हैं ना तो वो भी चेंज होती है। मतलब कोई उसे किसी ढंग और तरीके से बनाता है, कोई किसी का बनाने का तरीका और अलग होता है। तो लेकिन फिर भी कुछ बेसिक ऐसे चीजें होती हैं, कुछ बर्तन रखने के, बनाने के, खाने के, मतलब कुछ ऐसी बेसिक चीजें होती हैं जो कॉमन होती हैं, तो वही वीडियो में आज आपके साथ शेयर कर रही हूं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बर्तनों से। ढेर सारी तो कढ़ाइयां हैं, और हाँ, ये कोई कोलैबोरेशन वाला वीडियो नहीं है, सारे बर्तन मेरे खरीदे हुए ही हैं। अगर किचन में से बर्तनों की बात करी जाए ना, तो मैंने सबसे पहले जो एल्यूमिनियम के बर्तन थे किचन में से वो बिल्कुल निकाल दिए हैं, और केवल अब मेरे पास जो दो बर्तन रह गए हैं, एक तो मेरे पास एल्यूमिनियम का बड़ा कुकर है और एक है मेरे पास बड़ा भगोना, लेकिन वो बड़े भगोने को मैं यूज नहीं करती हूँ, मेरे पास स्टील का भी एक बड़ा भगोना है। तो एल्यूमिनियम बिल्कुल निकाला क्योंकि उसके बहुत ही खराब इफेक्ट्स हैं हेल्थ के ऊपर। तो अगर आपको पता चल जाए कि कोई भी चीज हेल्थ पे असर डाल रही है, धीरे धीरे आपको कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रही है, तो उस चीज को बिल्कुल किचन में से निकाल दीजिए। तो एल्यूमिनियम को निकालने के बाद सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अभी एक महीने पहले मैंने क्या किया था, सारे एल्यूमिनियम के जो बचे हुए बर्तन थे सब मैं ले गई थी, और सारे मैंने वेट से, वो लोग ले लेते हैं, तो मैंने वेट से देखे और उसकी बजाय मैंने स्टील के बर्तन ले आई। तो देखिए, सबसे पहले तो जो बिल्कुल नॉर्मल कढ़ाई होती है, लोहे की कढ़ाई जब मैंने ये ली थी तब आपके साथ शेयर करी थी, ये मैं एक लोकल शॉप से ही लेकर आई थी, प्योर लोहे की बनी हुई ये कढ़ाई है। जब आई थी तो बिल्कुल वाइट थी, लेकिन खाना बनाते बनाते इसमें देखिए इस तरीके से कालापन आ गया। मेरे हस्बैंड को काफी सारी डिशेस जो है वो केवल लोहे की कढ़ाई में ही खाना पसंद है, क्योंकि उससे उनका जो स्वाद है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। जब कभी भी मैं इसको वॉश करके रखती हूँ तो हल्का सा ऑयल लेके मैं इस पे लगा देती हूँ, जिससे इसमें कोई भी रस्ट या जंग नहीं लगती है। तो इस तरह से ये कढ़ाई मेरी परफेक्ट चल रही है और इसे मैं खूब यूज करती हूँ। अब अगर हम बात करते हैं स्टील की कढ़ाई की, तो नॉर्मल क्वेश्चन ये आते हैं कि अगर स्टील की कढ़ाई का यूज करेंगे तो, क्योंकि वो हल्की होती है तो जल जाएंगी। तो ये एक श्री एंड सैम नाम का ब्रांड था, ये हैमर्ड कढ़ाई है, यानी कि इस पे इस तरीके से कुछ निशान बने हुए हैं। ये जो है मैंने करीब 900 रुपीस की ली थी, और इसे करीब 3-4 महीने से ज्यादा ही हो रहा है। आप लोगों ने वीडियोस में देखा है, जितना भी डीप फ्राई का काम होता है वो मैं इसी कढ़ाई में करती हूँ। बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, थोड़ी छोटे ही साइज में मैंने ये ली है, ताकि इसमें ज्यादा ऑयल नहीं रखना पड़े, और ये मेरी सारी रिक्वायरमेंट को हम लोग 4 लोग हैं अच्छी तरीके से फुलफिल करती है ये वाली कढ़ाई। ये इसमें कोई भी, जिसे कहते हैं ना लेयर वाली, आजकल जो कढ़ाई है 3 लेयर या नीचे लेयर वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल स्टील की कढ़ाई है, ब्रांड अच्छा है ये, और अभी तक देखिए इसमें कोई कालापन कहीं पे भी नहीं आया है, जबकि मैं इसको रेगुलर यूज कर रही हूं, आप वीडियोस में देख रहे हैं। तो श्री एंड सैम ब्रांड की ये दूसरी कढ़ाई है, जो कि बिल्कुल, जिसे कह सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से परफेक्टली काम कर रही है। और अगर आप कोई भी स्टील की सिंपल कढ़ाई लेने की सोच रहे हैं तो ये हैवी भी है, इस कढ़ाई को आप ले सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने देखी थी ये एक काफी बड़ी कढ़ाई है, ये भी बिल्कुल सिंपल स्टील की कढ़ाई है, इसमें कोई लेयरिंग नहीं है, बस ये हैवी है, काफी हैवी है ये कढ़ाई, और ये बहुत बड़ी भी है, काफी बड़ी कढ़ाई है। जैसे मैं आपको दिखाऊं ना, देखो इस तरीके से, ये कितनी छोटी सी और ये कितनी बड़ी है। मेरे घर में जो झाड़ों में गाजर का हलवा बनता है हमेशा रहता है, और वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनता है, तो उसको मैं मतलब इकट्ठे जब बनेगा ना, तो 5 किलो गाजर का, 6-7 किलो गाजर तक का मैं इकट्ठा बनाती हूँ, आप लोग के साथ शेयर भी किया है।
तो उसके लिए मुझे एक कढ़ाई चाहिए ही थी। मेरे पास एक एल्यूमिनियम की कढ़ाई थी, काफ़ी बड़ी, काफ़ी सालों से मैं उसको यूज़ कर रही थी विंटर्स में, लेकिन मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया और उसकी जगह ये बड़ी स्टील की सिंपल कढ़ाई ली। बस ध्यान ये रखा कि ये काफ़ी भारी है, तो जब ये भारी होती है तो इसमें कुछ भी नहीं चिपकता है, लेकिन अगर आप सिंपल स्टील की कढ़ाई लेते हैं तो उसे हमेशा आपको जो है लो फ्लेम पे ही उस पर कुछ ना मतलब चीज़ें पकानी पड़ेंगी। आप जैसे ही हाई करके छोड़ोगे और चलाओगे नहीं तो नीचे ये चीज़ें चिपक जाएंगी। तो जैसे मैं हलवा बनाती हूँ तो मुझे बिल्कुल छोड़ना पड़ता है धीमे करके, तो मुझे मतलब तब तो इसमें बन जाता है, लेकिन अगर मैं हाई करके इसे नहीं चलाऊंगी ना तो उसमें चिपक जाएगा। तो ये भी सिंपल स्टील की कढ़ाई है लेकिन हैवी है। करते हैं लेयर वाली कढ़ाई की, तो ये है विनोद ब्रांड की कढ़ाई, लास्ट ईयर मैंने खरीदी थी, आपके साथ शेयर करी थी। तो इसके साथ ये है लिड और ये है कढ़ाई, स्टील की ही है ये भी। लेकिन इसमें देखिए क्या चीज है, इसमें जो नीचे का बॉटम है, ये जो नीचे का बॉटम है ये थ्री लेयर में होता है, केवल बॉटम ये नहीं होता है, केवल बॉटम इसमें दिया रहता है, बॉटम इसका फ्लैट रहता है कुछ इस तरीके से। और जो इसमें ये लेयरिंग होती है ये तीन लेयर की होती है, ट्राई लेयर होती है, लेकिन केवल बॉटम वाले पार्ट में है। इसे जब आप लो फ्लेम पे बनाते हैं तो कहीं पे भी नहीं जलती है, और लो की अगर आप हाई भी करते हैं ना तो इससे ऊपर नहीं जाती है फ्लेम, इतनी ही रहती है। तो इसमें भी खाना बहुत बढ़िया बनता है, सारी सब्जियां इसमें अच्छे से बन जाती हैं। बस दिक्कत इसमें यह है कि जब मुझे डीप फ्राई करना होता है तो मैं डीप फ्राई नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इसका जो सरफेस है वो जो है मतलब डीप नहीं है, ये फ्लैट सरफेस है। तो अगर मैं इसे पैन की तरह से यूज करती हूँ, इसे बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है तो मैं इसे पैन की तरह से यूज कर लेती हूँ। इसमें कि केवल नीचे के सरफेस में ट्राई लेयर वाला पार्ट है, तीन लेयर है, एक एल्यूमिनियम की होती है, एक इसमें स्टेनलेस स्टील की है, एल्यूमिनियम की लेयर इसमें इनकैप्सुलेटेड रहती है यानी कि बीच में छिपी हुई रहती है, और उसके ऊपर फिर स्टेनलेस स्टील रहती है। वो ये है कढ़ाई, ये भी विनोद ब्रांड की कढ़ाई है, और ये जो है ट्राई लेयर है, ये इसके संग लिड है। अब ट्राई लेयर का मतलब क्या हुआ, ट्राई लेयर का मतलब ये है कि जो इस वाली कढ़ाई में आप देख रहे थे कि केवल नीचे के पार्ट में तीन लेयर थी जिससे कि ये भारी हो गई थी, जिससे कि ये जलती नहीं थी, इसमें वो वाली लेयरिंग जो है पूरी कढ़ाई में है, मतलब इसकी थिकनेस जो है मोटी थिक है, थिक कढ़ाई है। और ये ट्राई लेयर का मतलब इसमें पूरी कढ़ाई में जो है ये तीनों लेयर हैं। ये अभी मैंने ज्यादा यूज नहीं करी है, और इसमें भी वही है, सबसे बाहर की तरफ स्टेनलेस स्टील रहती है, फिर इसमें एल्यूमिनियम रहती है, और अंदर की तरफ फिर इसमें स्टील रहती है। ये हॉकिंस का स्टील का कुकर है, और एक साल से मैं इस स्टील के कुकर का ही यूज कर रही हूँ। चाहे आप हॉकिंस ब्रांड का लें, चाहे आप प्रेस्टीज ब्रांड का लें, दोनों ही कुकर अच्छे हैं, कोई सा भी आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा एल्यूमिनियम का बिल्कुल मत लीजिए। ये जो पैन होता है ये भी स्टील का ही है, इसका जो बॉटम है वो भी हैवी बॉटम का है, ये इसकी वजह से बिल्कुल भी नहीं जलता है। इसमें मैं खीर बना लेती हूँ, चावल, बिरयानी, एक बार आपके साथ शेयर करी थी वेज बिरयानी, बहुत अच्छे से इसमें बनी थी, बिल्कुल नहीं इसमें जला था। ये वाला जो ब्रांड है वो विनशेफ ब्रांड का है, और इसे मैंने जिस दिन खरीदा था उस दिन भी मैं काफी सारे जो स्टील के बर्तन है उनको मैं जो है उनको मैंने बेचा था, और उसमें रिप्लेसमेंट का मैंने ये लिया था। तो एक मुझे अभी गिफ्ट में मिला है वो है ये दूसरा पेन, ये विनोद ब्रांड का है ये वाला, ये मैंने अभी यूज नहीं किया है, ये नया ही है। लेकिन जैसे मेरा ये विनशेफ ब्रांड था और विनोद ब्रांड, मुझे बहुत पसंद है विनोद ब्रांड, क्योंकि जितनी भी चीजें मैं यूज कर रही हूँ सब उसकी अच्छी निकल रही हैं। तो इसमें यही जो है छोटे साइज का है, होम सेंटर से लिया था, होम सेंटर ब्रांड है, लेकिन मैंने इसे ऑनलाइन मंगाया था। और ये भी पीछे से जो है ये भी इंडक्शन पे भी यूज हो सकता है। जैसे ये जो सिरेमिक पैन होते हैं ये इसलिए अच्छे होते हैं कि जब आपको बहुत ज्यादा ऑयल का यूज नहीं करना हो तो आप एक ही ऑप्शन बचता था कि आप नॉनस्टिक का यूज करिए, लेकिन जब नॉनस्टिक तो बिल्कुल हटाना है तो इसलिए मैंने ये सिरेमिक पैन मंगाया था। तो जब कभी भी मुझे कोई चीज बहुत ही कम मतलब बिल्कुल सूखी सी ही फ्राई करनी होती है तो मैं इस पे कर लेती हूँ। तो किचन का इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है ये, बहुत सारे ब्रांड्स में आता है। तो जो इंडक्शन में यूज कर रही हूँ वो है प्रेस्टीज की, हालांकि ये बहुत कम यूज होती है, मैं इसे बहुत ही कम यूज कर पाती हूँ क्योंकि मेरे पास प्रॉपर जो है गैस के सिलेंडर्स रहते हैं, सप्लाई रहती है। तो देखिए ये प्रेस्टीज ब्रांड की बेसिक है, और मैंने ये 2015 या 16 में खरीदी थी, तब से ये परफेक्टली जो है जब कभी भी मुझे इसकी जरूरत पड़ती है वर्क करती हूँ।
बहुत ही एक या दो बार मुझे इसकी जरूरत पड़ी है। हर चीज ना अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है, कैसी जरूरतें हैं आपके। अभी ये थोड़ी है कि अगर मुझे जरूरत नहीं है तो आपको भी नहीं होगी, लेकिन नॉर्मली मैं जो आपको अपना रिव्यू दे रही हूँ वो जैसे हम किस तरह से मैं चीजों को मैनेज करती हूँ आपने देखा ही है, उसके हिसाब से मैं आपको अपनी जरूरत बता रही हूँ। ये वंडर शेफ का न्यूट्री ब्लेंड के बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि ये कैसा है, कैसा चलता है, और इसके साथ ये दो जार होते हैं, तो छोटू सा जार है और एक ये है, तो इनको लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने ये लास्ट ईयर परचेज किया था और तब से जैसे इसको जब मैंने परचेस किया था तो ऑनलाइन मैं इसके रिव्यूज देख रही थी, तो मैंने इसके ऑनलाइन रिव्यूज देखे थे, लेकिन और रिव्यूज मुझे बहुत नेगेटिव भी मिले थे, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं आपको इसे रिकमेंड करूं या नहीं करूं। लेकिन जैसे मैं यूज जो कर रही हूँ ना, मुझे ये बिल्कुल मतलब सही चल रहा है अभी तक, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आई। हालांकि आवाज थोड़ी सी इसमें आवाज होती है, मैंने कई बार आपको अपने वीडियोज में सुनाई भी है, लेकिन काम ही अच्छे से कर रहा है। दूसरा, कम जगह घेरता है, बहुत छोटी सी जगह में आ जाता है, बड़ा हैंडी है। और मैं अपनी जो मिक्सी का काम जो होता है उसका 90% काम मैं इसी में करती हूँ। इनाल्सा की जो किचन मशीन आती है ना, देखिए इस तरीके की, ये मेरी पहली मिक्सी है, ये मैंने खरीदी थी और इसके साथ बहुत सारे अटैचमेंट्स थे, जिसमें जूसर था, मिक्सर था, ग्राइंडर, ये तो बेसिक थे ही, लेकिन अटैचमेंट बहुत सारे थे। मैंने आज तक सिवाय बेसिक मिक्सी के फंक्शंस के कोई भी अटैचमेंट यूज नहीं किया, और जब वो मुझे अटैचमेंट का डेमो देने आया था तो मैंने मार्कर से लिखा था, वो स्टिल आज भी उन अटैचमेंट्स पे मार्कर से लिखा हुआ है। हाँ, मुझे क्योंकि गाजर का हलवा बनाना होता है तो मैं गाजर इस जब पीसनी होती है तो उसका अटैचमेंट मेरा जो है बहुत काम आता है, और बाकी कोई अटैचमेंट इसके ऐसे काम में नहीं आए। इसके जार मैंने बदलवा लिए थे कई बार और ये सही चली, लेकिन ये जैसे कहते हैं ना फूड प्रोसेसर, किचन मशीन जिसे कहते हैं, उस टाइप से मुझे इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ी। ये मैं फिर से बता रही हूँ, ये मैं आपको अपनी जो है अपनी उसके हिसाब से बता रही हूँ जो मुझे जरूरत रही। और एक जो और मेरी मशीन है वो भी मैं आपको, एक मिक्सी है वो भी दिखाती हूँ। ये है इनाल्सा की वो मिक्सी, देखिए, जो मुझे रिलायंस ट्रेंड से फ्री में मिली थी 300 रुपीज देके, क्योंकि मैंने 5000 की शॉपिंग करी थी, तो 300 रुपए देने के बाद जो ये मिक्सी मिली थी, इसके साथ तीन जार थे, एक तो बहुत छोटा सा है, एक मीडियम साइज का है, एक बड़ा है। इसको मैं बहुत कम यूज करती हूँ, अभी तक तो ये सही चल रही है, इनाल्सा का ये वाला मॉडल अभी तक तो सही चल रहा है अब, क्योंकि इसे यूज ही मैं कम करती हूँ, लेकिन हाँ काम चलाऊ है, ठीक है ये वाली चीज। और इसी तरीके से देखिए ये हैंड ब्लेंडर जो मेरे पास है, ये भी जो है इनाल्सा का ही है, ये वाला हैंड ब्लेंडर परफेक्टली वर्क कर रहा है। पता नहीं कितने सालों से मेरे पास ये जो है हैंड ब्लेंडर है, जाने कितने साल हो गए इस हैंड ब्लेंडर को यूज करते करते। तो अगर मिक्सी की बात करते हैं किचन में, तो मैंने हमेशा से ही मेरे पास इनाल्सा रही है, पुरानी वाली भी, सेकेंड नंबर वाली भी, थर्ड भी, और अब मैं जो हूँ वंडर शेफ का फूड प्रोसेसर यूज करती हूँ, जिसको कि अभी मैंने आपको दिखाया। तो इलेक्ट्रिक केटल एक मेरे पास पुरानी थी, जो जाने कितने सालों से मेरे पास है, वो मम्मी ने मुझे दी थी, जो आप पुराने वीडियोज में देखते थे। ये मैंने नई खरीदी है, इसका ब्रांड भी इनाल्सा है, इनाल्सा ब्रांड की है। इसमें लाइट जल जाती है जब ऑन करते हैं, यहाँ से ऑन और ऑफ करने के इसमें बटन्स दिए हुए हैं, और इस तरह से ऊपर से यहाँ से खुल जाती है। तो अभी मैंने इसमें जस्ट पानी गर्म किया था, इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ी सी वेपर्स दिखाई देंगी। ये भी बढ़िया चल रही है, इसे मैं तीन महीनों से तो यूज कर ही रही हूँ, और वैसे भी नॉर्मली मैं ठंडा पानी नहीं पीती हूँ, तो गर्म पानी की जरूरत पड़ती है, तो इसी में कर लेते हैं। और जो पुरानी वाली मेरी इलेक्ट्रिक कैटल थी ना, उसमें तो बच्चे मैगी बना लिया करते थे, मैं उसे कॉलेज ले जाती थी खूब, उसमें मैं चाय बना लिया करती थी, तो वो जब कभी भी कोई जैसे चाय वाय अगर बनानी हो तो वो भी इसमें बन जाती है। इलेक्ट्रिक केटल बढ़िया है, ये अच्छी यूजफुल चीज है इनाल्सा ब्रांड की, और पुराने वाली भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। एक ये हैबल्स का मैंने लिया था सैंडविच मेकर, ये भी मैंने शायद कुछ ही टाइम पहले लिया था, जब लिया था तो आपके साथ शेयर किया था। अगर रिव्यू की बात करूं, बहुत अच्छा है ये, बहुत हैंडी है, वाइट कलर में, मुझे तो कलर इसका बहुत ज्यादा पसंद था, छोटी सी जगह में आ जाता है, और दूसरा इसमें एक बार में जो है दो सैंडविच जो है बनते हैं, छोटा है लेकिन सही है, इससे ज्यादा की जरूरत पड़ती भी नहीं है। तो ये छोटा सा हैंडी सा मुझे बहुत ही बढ़िया परफेक्ट लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, जरा सी जगह में आ जाता है। और दूसरा किचन, चाहे मेरा ब्लैक है काउंटर टॉप, तो उसमें तो ये व्हाइट रखा हुआ बहुत अच्छा लगता है। तो इसको मैं यूज कर रही हूँ, रेगुलर यूज कर रही हूँ, शानू लगातार इसमें अपने जो है
सैंडविच वगैरह बनाता रहता है अपनी छोटी सी भूख को शांत करने के लिए, तो ये परफेक्टली वर्क करता है। नालसा ब्रांड का मेरे पास टोस्टर है, ये इसको भी मैं करीब 1.5 साल से यूज कर रही हूँ, 1.5-2 साल से मैं इसे यूज कर रही हूँ। इसका यूज मेरे यहाँ बहुत इसलिए होता है क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना तवे पे सिकी हुई ब्रेड और उस पर मक्खन लगा हुआ बटर लगा है तो वो बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो बहुत ज्यादा खाते हैं, तो इसलिए उनको थोड़ी सी सिकी हुई ब्रेड, उनको जब भी भूख लगती तो उनको सिकी हुई करारी सी ब्रेड चाहिए, तो उसके लिए मैंने ये लिया था कि हमेशा तवा रखे हैं, यूज करना पॉसिबल नहीं होता। अच्छा चल रहा है, बढ़िया है, मेरा फेवरेट कलर वाइट है। किचन छोटी है तो सबको ऊपर नहीं रख पाती हूँ, तो सबको नीचे ही एक अलमीरा में रखती हूँ, तो जिसकी जरूरत होती है उसको निकाल लेती हूँ, लेकिन ये जो है एक परफेक्ट चीज है। तो देखो अब आप कहोगे कोई पति के पसंद की चीज, कोई बेटे की पसंद की चीज, हर चीज रखनी पड़ती है जब घर को मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब उन्हें भूख लगती तो खुद ही काम करना पड़ता है, तो ये भी मुझे परफेक्ट लगा, बढ़िया लगा। तो अगर आप टोस्टर खरीद रहे हैं ना, अगर आपके घर में ब्रेड ज्यादा खाते हैं, वैसे तो अब उसका काम जो है टोस्टर में भी हो जाता है, लेकिन उन्हें जब मेरे पास टोस्टर नहीं था तब इसी में परफेक्टली बढ़िया जो है ब्रेड सिक जाया करती थी, और अभी भी अच्छी चीज है, मतलब मेरे काम में ये आता है, अच्छे काम में आता है। और इनमें से कोई भी चीज अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके काम की है तो भाई प्लीज लाइक का बटन तो दबा ही दिया करो ना, उससे क्या होता है ना पता चल जाता है कि वीडियो कितना काम का था, मतलब वो व्यूज से ज्यादा लाइक से पता चलता है कि वीडियो कितने काम का था, मैं अपनी बता रही हूँ। तो प्लीज लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि कौन सी चीज आपको इसमें यूजफुल लगी, मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ, रिप्लाई चाहे मैं कर पाऊँ चाहे नहीं कर पाऊँ। और शेयर करिएगा अगर आप किसी और को भी नॉलेज देना चाहते हैं, और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। अब इन सब सारे सामानों को ना मुझे हटाना है, रखना है, फिर खाना भी बनाना है, तो लाइक तो बनता ही है ना।